डीडॉस क्या होता है और क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। डीडॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बॉट्स आपकी वेबसाइट पे भेजे जाते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक्स आपकी वेबसाइट पे भेजी जाती है ताकि आपका सर्वर डाउन हो जाए। अब आप कहोगे कि कोई ट्रैफिक भेज रहा है तो वो तो अच्छी बात है। नहीं, ये इसीलिए बुरी बात है क्योंकि ये कोई जेन्युइन ट्रैफिक नहीं है, ये आपके रेगुलर यूजर्स नहीं है, वो कोई ऐड के थ्रू ट्रैफिक नहीं भेज रहा है, वो बॉट्स भेज रहा है जिनका सिर्फ एक ही काम रहता है आपके सर्वर को यहाँ पर क्रैश किया जाए। अब इससे बचे कैसे? बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है क्लाउडफ्लेयर DNS का यूज़ करना। ये फ्री में अवेलेबल है। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग क्लाउडफ्लेयर का CDN यूज़ करो नहीं करो, क्लाउडफ्लेयर का DNS आपको यूज़ करना ही चाहिए। वो मेजॉरिटी ऑफ द DDoS अटैक को प्रोटेक्ट कर सकता है। उनका DDoS अटैक का जो सिस्टम है प्रिवेंट करने का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्लाउडफ्लेयर की जो DNS सर्विस है टू फिल्टर आउट द बॉट्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो iTheme Security Pro करके एक प्लगइन आता है, इसके सेटअप का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और क्लाउडफ्लेयर DNS का भी मिल जाएगा, दोनों यूज़ कर सकते हो।